अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ज़ाहिद मैथ ट्यूटोरियल। चलते हैं लेक्चर की 9 क्लास की एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर नंबर 1 की स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए हमें क्या बनता है, -1, 1, 2, 0। पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे। मैट्रिक्स को हम लोगों ने डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट कर लिया है, -1, 1, 2 और 0। डिटरमिनेंट हम लोग कैसे इसका फाइंड करेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद साइन फार्मूले का आ जाएगा, फिर सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई किया जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1, 0, 0, माइनस फार्मूले का 1 ऑफ 2। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, -2। इसका सेकेंड पार्ट है बी की फॉर्म में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमें क्या क्या बनता रहा है, 1, 3, 2, -2। इसका हम लोग डिटरमिनेंट लेना है, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ बी 1, 3, 2, -2। डिटरमिनेंट ऑफ बी पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1 ऑफ 2, माइनस फार्मूले का आगे क्या आ जाएगा, 3, 2 ऑफ 6, -2, -6 क्या आ गया, -8। थर्ड पार्ट है सी मैट्रिक्स है हमारे पास, सी मैट्रिक्स क्या है, 3, 2, 3 एंड 2। पहले मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ सी इक्वल टू 3, 2, 3 एंड 2। डिटरमिनेंट ऑफ सी फर्स्ट और फोर को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा हमारे पास, 3, 2 ऑफ 6, -3, 2 ऑफ 6। डिटरमिनेंट ऑफ सी 6, -6 क्या हो गया, 0। फोर पार्ट है डी का मैट्रिक्स है, 3, 2, 1, 4। मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ डी 3, 2, 1 एंड 4। डिटरमिनेंट ऑफ डी फर्स्ट और फोर को मल्टीप्लाई करो, 4, 3 ऑफ 12, -2, 1 ऑफ 2, 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। क्या फाइंड करना है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना है। जो भी मैट्रिक्स ये बना होगा, इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे। अगर डिटरमिनेंट इसका 0 के इक्वल होता है तो फिर वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। एक मैट्रिक्स पहले हमें गिवन है, इसको हम लोग पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करके इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 3, 6, 2 एंड 4। डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, फर्स्ट और फोर को मल्टीप्लाई करना है, 4, 3 ऑफ 12, माइनस फिर सेकंड और थर्ड को, 4, 3 ऑफ 12, 12, -12 क्या होगा, 0। डिटरमिनेंट इसका क्या आ गया, 0। तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट है बी का मैट्रिक्स है, 4, 1, 3 एंड 2। बी का मैट्रिक्स 4, 1, 3 एंड 2। पहले मैट्रिक्स को क्या करना है, डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करना है। डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ 4, 1, 3 एंड 2। डिटरमिनेंट इसका ले, 4, 2 ऑफ 8, -3, 1 ऑफ 3, 8, -3 क्या आ गया, 5। अब ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए कौन सा होगा जी, नॉन सिंगुलर। थर्ड पार्ट है सी का मैट्रिक्स है, 7, -9, 3 एंड 5। पहले मैट्रिक्स को क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे, 7, -9, 3 एंड 5। डिटरमिनेंट ऑफ सी, 7, 5 ऑफ क्या आएगा, 35, माइनस फार्मूले का, प्लस माइनस माइनस, 9, 3 ऑफ 27, 35 प्लस 27 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 62। 0 के इक्वल नहीं है तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हमारा नॉन सिंगुलर। फोर पार्ट है इसका डी का मैट्रिक्स है, 5, -10,
माइनस टू एंड फोर। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ डी फाइव माइनस टेन माइनस टू एंड फोर। फर्स्ट ऑफ ऑल को मल्टीप्लाई फाइव फोर ऑफ ट्वेंटी माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस टेन टू ऑफ ट्वेंटी, ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी क्या होगा ज़ीरो, ज़ीरो आ गया तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करने का हम लोग फार्मूला क्या बनाएंगे, इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, फर्स्ट ऑफ फोर को मल्टीप्लाई आगे साइन माइनस का, फिर सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, और एडजॉइंट में क्या किया जाता है, फर्स्ट ऑफ फोर की स्पेस चेंज करेंगे और सेकेंड और थर्ड का साइन चेंज, प्लस का माइनस में, माइनस का क्या कर देंगे प्लस में। फार्मूला क्या है इनवर्स फाइंड करने का, इनवर्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट हमारा जीरो होगा तो फिर वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो फिर इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। पहले मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स को क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे माइनस वन थ्री टू एंड ज़ीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस ज़ीरो माइनस फार्मूले का थ्री टू आर सिक्स क्या आ गया माइनस सिक्स। आगे क्या करना है, इसके एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है माइनस वन थ्री टू ज़ीरो। एडजॉइंट में क्या करते हैं, फर्स्ट और फोर की स्पेस चेंज, सेकेंड और थर्ड का साइन चेंज। एडजॉइंट ऑफ ए फर्स्ट फोर की क्या करेंगे, स्पेस चेंज ज़ीरो माइनस वन, सेकेंड और थर्ड का साइन चेंज माइनस थ्री एंड माइनस टू। अब इनवर्स भी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, इनवर्स के फार्मूले में वैल्यू प्लेस करते हैं। इनवर्स का फार्मूला ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ज़ीरो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है माइनस सिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर जितनी एंट्रीज है उन सबको हम लोग क्या करेंगे, माइनस सिक्स से डिवाइड कर देंगे। ए इनवर्स इक्वल टू ज़ीरो बाय माइनस सिक्स माइनस थ्री बाय माइनस सिक्स माइनस टू बाय माइनस सिक्स माइनस वन बाय माइनस सिक्स। न्यूमिनेटर में जीरो तो फुल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो माइनस माइनस से कैंसिल, थ्री वन ना थ्री थ्री टू आर सिक्स वन बाय टू, माइनस माइनस से कैंसिल, टू वन ना टू टू थ्री आर सिक्स वन बाय थ्री, माइनस माइनस से कैंसिल क्या आ गया हमारे पास वन बाय सिक्स। ए इनवर्स का मैट्रिक्स क्या बन गया, जीरो वन बाय टू वन बाय थ्री एंड वन बाय सिक्स। सेकेंड पार्ट है बी का मैट्रिक्स है हमारे पास वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव। बी का मैट्रिक्स क्या है, वन टू माइनस थ्री एंड माइनस फाइव। इसका हम लोगों ने इनवर्स फाइंड करना है। फार्मूला है हमारे पास बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। पहले बी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ वन टू माइनस थ्री एंड माइनस फाइव। डिटर्मिनेंट ले, डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, फर्स्ट और फोर को मल्टीप्लाई आगे साइन माइनस का, फिर सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू प्लस माइनस 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 फाइव, माइनस फार्मूले का प्लस माइनस माइनस थ्री टू ऑफ सिक्स माइनस सिक्स, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा प्लस सिक्स, माइनस फाइव प्लस सिक्स, सिक्स में से फाइव को सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या आ गया वन। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास वन। अब क्या करना है हम लोगों ने, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी का मैट्रिक्स है वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट में क्या करते हैं, फर्स्ट और फोर की स्पेस चेंज, सेकेंड और थर्ड का साइन चेंज। फर्स्ट फोर की स्पेस चेंज कर दें माइनस फाइव और वन, सेकेंड थर्ड का साइन चेंज माइनस टू और थ्री।
एडजाइंट आ गया। अब इनवर्स के फार्मूले में वैल्यू प्लेस कर देते हैं, बी इनवर्स एडजाइंट ऑफ बी का मैट्रिक्स है हमारे पास -5 -2 3 एंड 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 1। अब डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं होती, लिखने की जरूरत नहीं है। बी इनवर्स का मैट्रिक्स क्या आ गया हमारे पास -5 -2 3 एंड 1। थर्ड पार्ट है सी का मैट्रिक्स हमें गिवन कर रहा है -2 6 3 एंड -9। इसका हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है, सी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ सी डिटरमिनेंट ऑफ -2 6 3 एंड -9। डिटरमिनेंट ऑफ सी मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट ऑफ ऑल को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 9 2 ऑफ 18 माइनस फार्मूले का 6 3 ऑफ 18, 18 माइनस 18 क्या हो गया 0। यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या हो गया 0, अगर डिटरमिनेंट 0 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यहीं पे आप लोग इसको छोड़ करेंगे, छोड़ देंगे, नीचे क्या ऐड कर देना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो फिर आप लोगों का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फोर्थ पार्ट है डी का मैट्रिक्स हमें गिवन कर रहा है, वन बाय टू, थ्री बाय फोर, वन एंड टू। डी का मैट्रिक्स है 1 बाय 2, 3 बाय 4, 1 एंड 2। इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ डी इक्वल टू एडजाइंट ऑफ डी बाय डिटरमिनेंट ऑफ डी। पहले इसको क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ डी डिटरमिनेंट ऑफ 1 बाय 2, 1 3 बाय 4 एंड 2। डिटरमिनेंट क्या से लेते हैं, फर्स्ट ऑफ फोर को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आगे साइन क्या आ गया माइनस का, सेकेंड और थर्ड को 1 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4, 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसल, 1 माइनस 3 बाय 4। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 4, 4 को 1 से डिवाइड करो 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया क्या आ गया 1 बाय 4। डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या आ गया 1 बाय 4। अब क्या करना है हम लोगों ने, एडजाइंट फाइंड करना है। एडजाइंट ऑफ डी इक्वल टू एडजाइंट ऑफ डी का मैट्रिक्स है 1 बाय 2, 3 बाय 4, 1 एंड 2। एडजाइंट में क्या करते हैं, फर्स्ट और फोर की प्लेस चेंज, सेकंड और थर्ड का साइन चेंज। एडजाइंट ऑफ डी इक्वल टू सेकंड फर्स्ट और फोर की स्पेस चेंज कर दोगे 2 एंड 1 बाय 2, और सेकंड और थर्ड का साइन चेंज -3 बाय 4 एंड -1। एडजाइंट डी होगा, फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करो, फॉर्मूला क्या है, डी इनवर्स इक्वल टू एडजाइंट ऑफ डी बाय डिटरमिनेंट ऑफ डी। डी इनवर्स इक्वल टू एडजाइंट डी का मैट्रिक्स 2 -3 बाय 4 -1 1 बाय 2 बाय डिटरमिनेंट ऑफ डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 बाय 4। अब यहाँ पे क्या है, डबल बाय आ गया, सिंगल बाय का नहीं। यहाँ पे समझे, फर्ज करें ये मैट्रिक्स है ये वाला, डिवाइडेड बाय 1 बाय 4। अब डिवीजन है, डिवीजन के प्रोसेस को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करो, सेकंड अमाउंट को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 1। मैट्रिक्स को हम लोगों ने किस से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, डी इनवर्स इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स 2 -3 बाय 4 -1 एंड 1 बाय 2। मैट्रिक्स के अंदर जितने एंट्रीज हैं हम सबको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ऑफ 8 -3 बाय 4 -1 -1 1 बाय 2 -4 8, 4 4 से कैंसल, -3 -4 2 1 ऑफ 2, 2 2 ऑफ 4 क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास 2। डी इनवर्स क्या आ गया 8 -3 -4। और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।